फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाऊंगी पनीर के कोफ्ते। पनीर के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये लिया है 250 ग्राम पनीर। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसको हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। ये लिया है बेसन, ये है आमचूर पाउडर, ये हरी शिमला मिर्ची है, ये लाल शिमला मिर्ची, और ये लिया है मैंने दो मिर्च को बारीक काट के, ये लिया है एक प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है। चलिए बनाते हैं पनीर के कोफ्ते। सबसे पहले हम इसमें ये मसाले डाल लेंगे, ये शिमला मिर्ची, ये प्याज बारीक कटा हुआ, इसको भी हम इसमें डाल देंगे, और ये हरी मिर्ची है, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये एक चम्मच है आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं बीज निकाल कर। थोड़ा सा लाल मिर्ची डालेंगे, नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार लें। अब इसमें डालेंगे ये बेसन, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने पनीर में ये सारा मिश्रण डाल के जो तैयार किया है बैटर, अब इससे हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। इस तरीके से हम इसकी सारी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये जो मैंने मिश्रण तैयार किया था, पनीर, बेसन, शिमला मिर्ची, प्याज, मिर्च, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, नमक, ये सब डाल के मैंने ये बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन बॉल्स को फ्राई करेंगे हम। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं बॉल्स को। गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे जिससे हमारा पनीर भी फ्राई हो जाएगा अच्छे से, और जो बेसन पड़ा हुआ है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा हाई फ्लेम पे। ऊपर से तो जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह सकता है, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। ये हमारी बॉल्स फ्राई हो गई हैं, इनको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बची हुई बॉल भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लो फ्लेम पे बेसन की वजह से हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं। ये भी फ्राई हो गई है। इसी तरीके से हम ये लास्ट बैच भी फ्राई कर लेंगे। मैंने ये सारी बॉल्स को फ्राई कर लिया है। चलिए अब बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक लिया है पैन, और मैंने इसमें डाला है ये एक चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच तेल है ये। जब तक तेल गर्म होता है तब तक बता रही हूँ मैं। ये लिया है मैंने अदरक को काट के, और ये लिया है 8 से 10 काजू हैं, ये 2 टमाटर हैं, और ये लिया है मैंने प्याज, इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इनको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। गरम हो गया है, अब हम इस पैन में डालेंगे अदरक, ये काजू,
काजू भी हल्के फ्राई कर लेंगे इसी में। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, ये टमाटर, इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और काजू को सॉफ्ट कर लिया है। अब ये अदरक, प्याज और टमाटर ये सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनको ठंडा होने के लिए निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में। इनको ठंडा होने के बाद फिर हम पीसेंगे। अब मैंने मलाई कोफ्ता बनाने के लिए गैस पे रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा सबसे पहले। अब डालेंगे इसमें मसाले, इनको बहुत अच्छे से भून लेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे क्योंकि मसाला हमारा फ्राई किया हुआ है। अब इसी समय हम डालेंगे इसमें हल्दी, ये डाला मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और ये ली है मैंने एक चम्मच देगी मिर्च। ये देगी मिर्च कलर देने के लिए है क्योंकि मिर्च हम मसाले में स्वाद के हिसाब से डाल चुके हैं। और जो मैंने बॉल्स बनाई थी उसमें भी मैंने मिर्च डाली है हरी काट करके, इसलिए इसमें मिर्ची कम डालेंगे। आप मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से पका लेंगे। पहले पक गए हैं, अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसको चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच फ्रेश मलाई, अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें दो से तीन चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे। मलाई डालने के बाद इसको बराबर चलाएंगे थोड़ी देर, कुल इसको दो मिनट और पकाएंगे। बहुत अच्छे से कलर भी आ गया है और ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आपको कुछ देर रखना है उसके बाद सर्व करना है तो आप इसमें ग्रेवी के लिए पानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बॉल्स जो हैं वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेंगी तो ये ड्राई हो सकती हैं, इसलिए आप इसमें पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मुझे तुरंत अभी सर्व करना है इसलिए मैं इसमें कम पानी का यूज कर रही हूँ। ग्रेवी में उबाल आ गया है, ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है, इसमें खुशबू सी आ रही है। अब हम इसमें ये फ्राई की हुई बॉल डाल देंगे। ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं इस ग्रेवी में डालने के बाद, वैसे भी ये सॉफ्ट हैं, इस तरीके से आप टच करेंगे तो ये टूटने लग रही हैं। हम इनको हल्का चलाएंगे, बस एक मिनट इसको पकाना है ग्रेवी में डालने के बाद, नहीं तो ये टूटने लगेंगी बॉल्स, क्योंकि ग्रेवी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉल्स में तो ये जल्दी से टूटने लगेंगी। बस हमको इनको एक मिनट पकाना है ग्रेवी में डालने के बाद बॉल्स को, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये पनीर के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। इस तरीके से हम इसको गार्निश कर देंगे।